हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम पुरानी जींस से एक ट्रैवलिंग बैग बनाएंगे, तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। देखिए, यहाँ पे मैंने जींस से चौरस फैब्रिक के टुकड़े लिए हैं और मैंने कॉन्ट्रास्ट भी फैब्रिक के टुकड़े लिए हैं। देखिए, ब्लैक रेड ऐसा कॉम्बिनेशन करके आपको इस तरीके से वो फैब्रिक के टुकड़े जो है वो अरेंज करना है और मिडल में से आपको सिलाई लगानी है, जैसे कि मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ। देखिए, यहाँ पे मैंने चार फैब्रिक के टुकड़े जॉइन करके एक पट्टी बनाई है। ऐसे आपको तीन पट्टी बनाना है और आपस में जॉइन करना है और एक स्क्वायर कट फैब्रिक करना है, जो बेस जो हम बनाएंगे वो। देखिए, यहाँ पे हमारा जो हमने चौरस कटिंग जॉइंट किए हैं वो रेडी हो गया है फैब्रिक का कटिंग। अभी हमें बेस बनाना है। इसके लिए हमें एक लाइनिंग के लिए फैब्रिक का कटिंग लेना है और टाइटनेस के लिए राइस बैग का कटिंग लेना है और ऊपर हमने जो सिला के बनाए हैं वो रख के आपको चारों तरफ से सिलाई लगानी है और आपको क्विल्टिंग पैटर्न बनाना है। अभी हमें साइड वॉल के लिए पट्टी बनाना है। इसके लिए मैंने एक लाइनिंग के लिए फैब्रिक का कटिंग लिया है, टाइटनेस के लिए राइस बैग का कटिंग लिया है और मेन बॉडी के लिए मैंने जींस से कट किया हुआ ही फैब्रिक लिया है और इसके ऊपर आपको सिलाई लगा के क्विल्टिंग पैटर्न बनाना है। अभी हमने जो बेस बनाया है और साइड के लिए जो पट्टी बनाया है इसको इस तरीके से आपको पूरी सिलाई लगा के अटैच करना है, जैसे कि मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ। आपको वीडियो ध्यान से देखना पड़ेगा। एक्स्ट्रा है वो आपको कट करना है। बेस का एक फैब्रिक का कटिंग ज्वाइन करने के बाद आपको दूसरा फैब्रिक का कटिंग ज्वाइन करना है, जैसे कि मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ। यहाँ पे हमने दो बेस बनाए हैं। अभी हमें बेल्ट बनाने के लिए एक फैब्रिक का कटिंग लेना है। इसका साइज मैंने आपको स्क्रीन पे दिया है, वो आप देख सकते हैं। और लाइनिंग के लिए मैंने शॉपिंग बैग का कटिंग लिया है और इसको चारों तरफ से सिलाई करनी है। सिलाई होने के बाद एक्स्ट्रा है वो कट करना है और आपको इस तरीके से फोल्ड करके एक सिलाई लगानी है। बेल्ट की एक सिलाई होने के बाद आपको डबल स्टिच करना है। दोनों बेस अटैच होने के बाद आपको इस तरीके से फोल्ड करके एक मिडल में मार्क करना है और मार्क किया हुए जगह पे से राइट और लेफ्ट साइड में आपको 5-5 सेंटीमीटर का मेजरमेंट लेके और दो मार्क करना है और वहाँ पर हमें बेल्ट अटैच करना है। अभी हमें जीपर के लिए पट्टी बनाना है। इसका साइज मैंने आपको स्क्रीन पे दिया है, वो आप देख सकते हैं। इसको इस तरीके से आपको फोल्ड करके मिडल में से कट करना है। ये हमने सेम वैसे ही बनाया जैसे हमने साइड वॉल बनाया है। मिडल में से कट करने के बाद आपको जीपर का एक बाजू एक कटिंग के बाजू में अटैच करना है और दूसरा बाजू दूसरे साइड में अटैच करना है, जैसे कि मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ। जीपर अटैच होने के बाद आपको इस तरीके से बैक साइड से डबल स्टिच करना है। देखिए, यहाँ पे हमारी जिपर की पट्टी रेडी हो गई है। देखो, इस तरीके से आपको ऊपर की साइड में इसको पूरी चारों तरफ से सिलाई लगानी है। अंदर की साइड में पूरी सिलाई होने के बाद आपको रफ इज इसको पाइपिंग करके कवर करना है। देखिए,
देखिए यहाँ पे हमारा सारे अंदर की साइड मेरा फिर जिसको पाइपिंग करके हो गया है। अभी हम ट्रैवलिंग बैग जो है हमारा वो उल्टा कर देते हैं। देखिए गाइस यहाँ पे हमारा ट्रैवलिंग बैग रेडी हो गया है। देखिए बहुत ही बढ़िया और क्यूट लग रहा है। जो हमने ब्लॉक बना के अटैच करके जो बना है कॉम्बिनेशन कलर का, वो तो बहुत ही बढ़िया लग रहा है, बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है। देखिए इसे हम ट्रैवलिंग में किधर भी लेके जा सकते हैं, कुछ भी सामान हम कैरी कर सकते हैं। अंदर की साइड में बहुत सारा जगह भी है। देखिए हैंडल करने के लिए हमें बेल्ट भी लगाया है, तो ईजिली हम इसे हैंडल कर सकते हैं। आई होप आपको आज का मेरा वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट्स करना। और अगर आप मेरे चैनल पे नए विजिट कर रहे हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।